दीपिका पादुकोण अक्सर सुर्खियां बटोर लेती हैं अपने जबरदस्त काम, अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स और अपनी लव लाइफ की वजह से, पर इस बार वो सुर्खियों में आ गई हैं फेसबुक पर ट्रोल किए जाने की वजह से। दीपिका पादुकोण को यूं ही ट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन हाल ही में दीपिका ने अपने एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। वो इस कोल्ड ड्रिंक ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं और उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें वो नजर आ रही हैं एक और शख्स के साथ। एंड शी सेड के दो लोग बिना किसी कारण के भी कितना मजा एक साथ कर सकते हैं। इस तरह से कैप्शन डालकर उन्होंने अपने इस वीडियो को पोस्ट किया। लेकिन जहां एक तरफ दीपिका के कुछ फैंस ने उनका सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को क्यों एंडोर्स करना जो किसी के लिए हार्मफुल है। कोल्ड ड्रिंक कंपनीज पर अक्सर ये इल्जाम लग चुका है कि उसके फॉर्मूला में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्यों एंडोर्स करना, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग दीपिका पादुकोण से। दीपिका ने इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, ना ही इन ट्रोल्स का जवाब दिया है। देखना यह है कि दीपिका क्या इसका जवाब देती है या फिर यूं ही चुपचाप इस मामले को जाने देती। प्रोफेशनल फ्रंट पे दीपिका पादुकोण संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग करती हुई नजर आ रही हैं और इस फिल्म में उनके साथ हैं रणवीर सिंह और शाहिद कपूर।